Hello children, good morning. Today I am going to teach again subject science chapter 1 reproduction in plants. Now we will study about artificial vegetative propagation. See chapter में इससे पहले आप लोग natural vegetative propagation के बारे में पढ़ चुके हैं. Now we will study about artificial vegetative propagation. Vegetative propagation में क्या होता है इस management? जैसे कि plants का कोई भी part एनी पार्ट ऑफ प्लांट एज स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर है, तो प्लांट के किसी भी पार्ट को कट करके फॉर्मेशन देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन किया जा सकता है या न्यू प्लांट को ग्रो किया जाता है फ्रॉम कटिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट एज स्टेम रूट्स किसी भी पार्ट को कट करके न्यू प्लांट जो है ग्रो किया जाता है इसको कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव और न्यू प्लांट जो है वो
मैटर करता है। एंटोनिया के देखिए एक कोई स्थिर होती है, इनसे ये आउटर फोर्स निकल आती है। ये आउटर फोर्स होती है, इनको हम लोग बर्ड कहते हैं। बर्ड फ्लो ऑन पेरेंट बॉडी में, बर्ड कहां पर करती है, जो पेरेंट डॉट बॉडी होती है वहां से ये बर्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। एंड ये बर्ड जो होती है बाद में ये बैठ जाकर वो गाती है और एक दूसरे से ये टेस्ट हो जाती है, दूसरे से सेपरेट हो जाती है। एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू डॉटर सेल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल प्लांट, ये नए इंडिविजुअल प्लांट को गिव राइज करती है, ठीक है, ग्रो करती है और न्यू डॉटर सेल बनाती है। दिस प्रोसेस इज बाई कटिंग मेथड, उसको बाई कटिंग मेथड कहते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इन दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अ फ्रेगमेंट इज स्प्लिट इनटू टू फ्रेगमेंट्स। इसमें कोई एक फ्रेगमेंट जो होता है वो कोई दो फ्रेगमेंट्स में जाकर स्प्लिट होता है, फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू प्लांट। देखिए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा का कोई एक फ्रेगमेंट लेते हैं, ठीक है, तो ये डिवाइड होता है, एक जो फ्रेगमेंट होता है वो डिवाइड होता है इनटू टू फ्रेगमेंट में, इज स्प्लिट इनटू टू फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट मीन खंडों में, खंडो एक कोई खंड जो है वो दो खंड में विभाजित होता है, इस तरह इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, सम प्लांट प्लीज डू नॉट कार हैव टाइनी सी लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर। देखिए स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि जिनमें फ्लावर्स नहीं होते बल्कि वो क्या दिया करते हैं, छोटे छोटे सी लाइक स्ट्रक्चर को दिया करते हैं जिन्हें स्पोर्स कहते हैं। ये स्पोर्स जो होते हैं ये इजिली ट्रांसफर होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट। ये जो स्पोर्ट्स होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह कुछ एजेंट से द्वारा बाय विंड बाय बर्ड्स बाय वाटर वाटर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और न्यू प्लांट्स को बर्न करते हैं या न्यू प्लांट्स को जन्म देते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन, इसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें जो न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट प्लांट, यानी कि दो पेरेंट प्लांट के द्वारा एक न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करता है, इस प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके नाउ फ्लावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट एंड इट रिप्रोड्यूस एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड गिव राइज टू न्यू प्लांट। देखिए प्लांट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये डेवलप होता है सीड्स में एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट और फिर ये न्यू प्लांट को ग्रो करता है फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर हैज फोर मेन पार्ट, एक कंप्लीट फ्लावर के पास चार मेन पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं नाउ वी विल स्टडी। देखिए नंबर वन इज सेपल्स, सेपल्स सेपल्स आर यू हैव सीन इन बोर्ड। देखिए सेपल्स आर ग्रीन लीविंग स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ फ्लावर एंड दे प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज बड कंडीशन। देखिए ये जो होते हैं सेपल्स जो होते हैं पहली बात तो ये फ्लावर के सबसे नीचे होते हैं, बेस में प्रेजेंट होते हैं, ये एट द बेस ऑफ फ्लावर फ्लावर के बेस में प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होते हैं यानी कि ये हरी पत्तियों के रंग के होते हैं और ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं बड कंडीशन में। जब फ्लावर जो है वो पैदा अवस्था में होते हैं तभी जो सेपल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। सेपल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैलेक्स, सेपल्स को हम लोग कैलेक्स भी कहते हैं।
फोर्थ पार्ट है आपका गायनोशियम और कार्पेल। इट इज अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। इट हैज देखिए इट हैज स्टिकी स्पॉट स्टिग्मा। इसका स्टिकी टॉप जो टॉप का पार्ट होता है कैसा होता है? स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, इसको स्टिग्मा कहते हैं। दैट रिसीव द पॉलन ग्रेन्स। ये क्या रिसीव करता है? स्टिग्मा पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। नाउ इट हैज लॉन्ग ट्यूब स्पॉट स्टाइल। इसके पास ये देखिए ये लॉन्ग ट्यूब से अटैच होता है स्टिग्मा, इसको स्टाइल कहते हैं। नाउ एंड ओवरी कंटेन्स ओव्यूल। ओव्यूल होती है जिसको भी ओव्यूल कहते हैं। जो ओव्यूल होती है उसके पास में ओव्यूल रहते हैं। ओव्यूल पाया जाता है ओवरी। पॉलिनेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं परागण की क्रिया। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंटर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन वह प्रोसेस है जिसमें कि पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि एंथर से स्टिग्मा की ओर। जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन हमारा टू टाइप है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है स्व परागण और दूसरा होता है पर परागण, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। देखिए नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। मीन्स देखिए जब पॉलन ग्रेन्स जो है ट्रांसफर होते हैं एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर जो होते हैं स्टिग्मा की ओर, उसी सेम फ्लावर के प्लांट की ओर जब ये ट्रांसफर होते हैं पॉलन ग्रेन्स, इस तरह के पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। देखिए वो
ट्रांसफर होता है पॉलिनेशन का, इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय।